और जनाब क्या चल रहा है? जनाब हिंदुस्तान में तो हेलो 37 मिलियन सब्सक्राइबर्स, मेरा नाम है अज्जू भाई अजेंद्र वरिया और आप सभी का स्वागत है मेरी रियल लाइफ में। आओ साथ में खेलते हैं। लेकिन एक सेकंड। तो हेलो 37 मिलियन सब्सक्राइबर्स। हाँ? जिंदगी हो तो भैया ऐसे हो, जिंदा तो झांट के बाल में। 37 मिलियन सब्सक्राइबर था भाई, फेस रिवील करती 38 हो गया और एक हमारा है भाई 3000 से 4000 नहीं हो रहा, अब क्या ही कर सकते हैं। खैर गाइस, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाला है, क्योंकि गाइस मैंने अज्जू भाई के ऊपर इतना रिसर्च किया है कि अज्जू भाई का भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ दिखाऊंगा इस वीडियो में। और हाँ, अज्जू भाई का बचपन का पिक भी दिखाऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले अज्जू भाई के फेस रिवील होने के बाद ऐसा कुछ फनी मोमेंट दिखाऊंगा जो देख के आप लोग अपनी हंसी रोक ही नहीं पाओगे। मतलब गाइस, अज्जू भाई के फेस रिवील होते ही सारे क्रिएटर्स ब्लॉगर सब चले गए अज्जू भाई के पास ब्लॉगिंग। तो चलो यार शुरू करते हैं बिना किसी नोटी उरा के। तो भाई सबसे पहले तो मैं आप लोग को रोनी भाई के ब्लॉग में से लिए हुए कुछ फनी मूवमेंट्स दिखाऊंगा। अब गाइस रोनी भाई को इनमें से गेस करना था इनमें से अज्जू भाई कौन सा है। तो आप लोगों को क्या लगता है रोनी भाई किसको गेस किए होंगे? मैं नहीं बताऊंगा। क्या वो पीछे अंकल खड़े हो अज्जू भाई? अंकल क्या आपका नाम अज्जू भाई है क्या? अंकल ने भाव ही नहीं दिया, अंकल बोले मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता बाहर में जा। अब भाई माना कि अज्जू भाई थोड़ा छोटा है, इसके मतलब ये थोड़ी है कि रोनी भाई आप पूरा वीडियो में अज्जू भाई का टांग खींचोगे। हाँ? स्टाइल वाइल मारो कुछ अच्छी। क्या मारू मैं स्टाइल, मेरे को थोड़ी। अच्छा, उल्टे घूम जाओ, उल्टे घूम जाओ, उल्टे घूम जाओ। अब पता नहीं भाई ये कौन सा स्टाइल है भाई, उल्टा घूम जाओ। चूतिया बनाया तुमको। चलो आज मारो कंटेंट, मारो मारो। चलो रोनी भाई ऐसे ब्लॉक करते हैं, पानी का बोतल यहाँ पड़ा। अच्छा रोनी भाई कैसे ब्लॉक करते हैं वो अज्जू भाई दिखाएंगे आज। ओ गाइस एक्वा का बोतल, ये बट भरा हुआ है, ये बट वाह, इन लोगों ने एक्वा का बोतल रखा है। ओ एक और बोतल, ये आधा भरा हुआ है, बढ़िया है। देखो दोस्तों मुझे ऐसा क्यों लग रहा है भाई रोनी भाई ने जो ब्लॉग बनाया ब्लॉग है ही नहीं भाई, एक दूसरे का रोस्टिंग कर रहे हैं सिर्फ। नहीं ऐसा, अगर कप भी देख ले हम क्या करते हैं नॉर्मल ब्लॉगर, ऐसे पानी का बोतल के साथ दूसरा भी। एक सेकंड, एक सेकंड, क्या हम नॉर्मल ब्लॉगर क्या? क्यों रे मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। अरे नॉर्मल ब्लॉगर कौन सा नॉर्मल, शक्ल दिखाया आज तक नॉर्मल ब्लॉगर है ये रोनी भाई। भाई बहुत ही डेंजर ब्लॉगर है भाई, थोड़ा गलती हुआ नहीं एकदम। हम लोग अभी गाली देते अज्जू भाई को ना, अज्जू भाई जेंजी को गाली देता है, खुद जेंजी है। मैंने कब दिया यार जेंजी को गाली? कुछ भी बोलो गाइस, ये अज्जू भाई बहुत ही इनोसेंट है। और भाई लोग रोनी भाई कैसे टांग खींच रहे हैं अज्जू भाई का देखो से। तुमको लगता है जनरेशन जेड वाले अपनी जनरेशन को गाली देंगे? हाँ दे रहे, सामने है, सामने एग्जांपल है, बंदा दे रहा है इतना। भाई साहब कुछ भी बोलो भाई, रोनी भाई बहुत गंदा वाला ट्रोल कर रहा है अज्जू भाई को। ओ अच्छा, अभी गाली दिया एक को। तुमने ये सो गाली उनसे बड़ा है मतलब उम्र में? जनरेशन में है क्या, अपनी जनरेशन में? नहीं सेम एज है। अरे बट मैंने गाली कब दिया मैं? सेम एज है, छोटा है वो। इधर अज्जू भाई को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है भाई, अज्जू भाई पूरा सीरियस हो चुका है इधर। अरे भाई मैं गाली बोलता ही नहीं तो मैंने कब गाली? विकास, विकास को पता है किसका छोटा है। इसको तो बड़ा ही मजा आ रहा है। लेकिन रोनी भाई ब्लॉग एंड करने से पहले अज्जू भाई को कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि भाई अज्जू भाई का रोमटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन जाने से पहले रोनी भाई अज्जू भाई को ब्लॉगिंग करना सिखाते हैं। चलो फोन दो, फोन पकड़ो, फोन पकड़ो, हाँ ये लो फोन लो, चलो आ जाओ पकड़ो। तो गाइस फाइनली वो वक्त आ गया कि भाई रोनी भाई जाते आते भी अज्जू भाई को नहीं छोड़ा। गुड लक फेस रिवील के लिए। या बिल्कुल, शर्माना मत फेस रिवील करने के बाद। अरे वीडियो बन चुका, अभी क्या शर्मा के भाई था? नहीं ये बाद में शर्माएंगे ना फेस रिवील। मारो मुझे मारो। अभी भी बहुत सारे लोग अज्जू भाई के फेस रिवील को फेक मानते हैं, बट ऐसा नहीं है, मैं ही रियल अज्जू भाई हूँ, मानो या ना मानो। मतलब गाइस अज्जू भाई को लाइव आके फिर से बोलना पड़ रहा है कि मैं ही रियल हूँ, और ये सब हो रहा है इन लोगों के वजह से। फेक फेक फेक, मतलब पूरा यूट्यूब बावला हो चुका है क्या? लेकिन 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 हमारा मिथिलेश भैया तो इन लोगों से बहुत आगे जा चुका है। और ये देखो मिथिलेश भैया का थंबनेल।
क्यों? मतलब ये क्या है भाई, क्या बना दिया है? अब मेरा थंबनेल देख के कोई मुझे मत बोलना, खराब हो जाएगा मैं मार्क। क्योंकि भाई इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स ने जो किया, इसके आगे तो मैं भाई कहा, मैं अपने नजर में ही मैं खुद को नजर नहीं आ रहा। ऐसे मैंने देखा आप लोगों को ऐसा फेस बहुत अच्छा लग रहा है अज्जू भाई का, इसलिए मैंने भी सोचा कि भाई अज्जू भाई के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट कर दूं, और ए रहा कुछ रिजल्ट। क्यों? तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, एंड गाइस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।